नमस्कार, मैं उषा और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। रेलवे विभाग की अगुवाई में पुलिस प्रशासन की ओर से बंगाली कॉलोनी लालकुआ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर से शुरू किया है, जिसमें अब तक 3 कच्चे निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार तहसीलदार लालकुआ मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में रेलवे की सीमा से लगे बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही शुक्रवार की सुबह शुरू की गई और रेल विभाग की ओर से सबसे पहले अपनी दीवार तोड़ी, उसके बाद उसके ठीक किनारे बने 3 कच्चे निर्माण ध्वस्त कर दिए। वहीं रेलवे की ओर से निर्माण तोड़ने से पहले ही सभी लोगों ने अपना सामान हटा लिया था। बता दें, रेल विभाग की ओर से पहले ही अतिक्रमण ध्वस्त कर अपनी चार दीवारी बना ली गई थी। इसके बावजूद फिर से दीवार तोड़कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और उनका कहना है कि जब पहले ही रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाकर अपनी चार दीवारी बना ली थी, तो इसके बाद फिर लोगों के आशियाने उजाड़ने की कार्यवाही करना सरासर बेईमानी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।